मैं अर्जुन दिवाकर, तहसील औला, जिला बरेली से, और हम आज आ पहुंचे नगर पालिका औला में, जिसमें महिला प्रत्याशी सुश्री उषा सतीजा जी हमारे साथ हैं। इनके माइंड में एक और कोई विचार आया है कि नगर पालिका, नगर की जनता के लिए हम कुछ और करेंगे, वो इससे पूछते हैं क्या है। मैं परिवार से फ्री हूँ। इस समय मेरे ऊपर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कभी थी, अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से केंद्र में मोदी, प्रदेश में योगी काम कर रहे हैं, मैं उसी तरह से अपने परिवार से बिल्कुल हटके समाज के लिए अपना पूरा जीवन, पूरा समय समर्पित कर दूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। और हम देख आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड, अर्जुन दिवाकर के साथ, कैमरामैन सचिन के साथ, धन्यवाद। और जो मैं इनसे बातें पूछ रहा हूँ कि क्या करना है इनको नगर पालिका चुनाव में, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। ये बताइए कि आपने जो इलेक्शन की तैयारी करी है कैसी रहेगी आपकी? भैया, मेरा समाज सेवा का जो एक व्रत है वो आज नया नहीं है जी, और वो बचपन से ही है जी, और यही आगे बढ़ेगा। और कुछ समाज सेवा में देखिए, मैं कभी पीछे नहीं रही हूँ जी, और समाज के जितने भी कार्य हैं, गरीब तबके के विकास के, आपके निर्माण के, सफाई के, अब जैसे इस समय डेंगू चल रहा है, अब ये प्राथमिकता मुझे नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं ऐसी, कि मैं अपने को बचाना है, मुझे अपने से ज्यादा समाज को बचाना है जी, जी। तो उसके लिए जो भी कर पाऊंगी वो हर पुरजोर कोशिश करके पुरजोर कोशिश करूंगी, और मैं समाज के लिए अपना पूरा जीवन निछावर किया कर दूंगी। जैसे कि नगर पालिका में अब जो शादी जो होती है कि टंकी जो आती है पानी की, उसमें आपको क्या कहना है? वो टंकी फ्री है, फ्री है, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई पैसा नहीं। अभी जो डेंगू मलेरिया चल रहा है, बीमारियां सबसे ज्यादा चल रही हैं, और बाढ़ों में अभी तक जो हवा या जैसे बोले कि दवा जो नहीं छिड़की गई है, तो उसमें आपका सबसे पहले क्या, उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले चैनल बनने के बाद क्या करेंगे कि दवा छिड़वाएंगे या नहीं? बिल्कुल दवा छिड़की जाएगी। अगर मुझे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा, मैं अपनी जेब से पैसा लगाकर भी मैं वो कार्य करवाऊंगी जिससे समाज की भलाई हो। जैसे कि सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जो होते हैं कन्याओं को, उसमें आपको क्या करेंगे? मुख्यमंत्री योजना के जो सामूहिक विवाह है मैं पूरे करवाऊंगी। इसके अतिरिक्त भी जो मेरी अपनी पॉकेट मनी होगी, मैं उससे कुछ गरीब परिवार की बच्चियों का विवाह मैं अपने तरफ से भी करवाऊंगी। जैसे कि हमारे चैनल के जरिए पब्लिक से, आम जनता से क्या राय कहेंगे? मैं पब्लिक से कहना चाहूंगी कि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आप सब लोगों के बीच में पली बड़ी हूँ। आपने बचपन से अब तक मुझे देखा है, मेरे कार्यों को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है, मेरे स्वभाव को देखा है, मेरी सत्यता को देखा है, मेरी कितनी पारदर्शी हूँ सबको देखा है, अपने मेरे त्याग को भी देखा है। उन सबको देखते हुए मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये मौका जरूर दें, और मैं ये भी चाहूंगी कि ये आप देखें कि वास्तव में चेयरमैन नगर का कैसा होता है और किस तरह से उसे कार्य करना चाहिए, और एक त्याग की मूर्ति बनकर मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़ी बर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूज़ी बर्ड ऐप।